नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं 52 HP के स्वराज 544 FE और सोनालिका के DI50। दोनों 52 HP कैटेगरी के ट्रैक्टर हैं और दोनों में से कौन सा बेटर है ये आप देख के कमेंट में बताना। दोस्तों, दोनों ही ट्रैक्टरों में 3 सिलेंडर का इंजन आता है। ये 52 HP का ट्रैक्टर है और इसमें आपको 3050 cc का इंजन मिलता है। ये देख सकते हैं आप, माइक्रो बोस का इसमें पंप आता है, इनलाइन पंप है। चौरा 744 FE में आपको इसमें भी आपको माइक्रो बोस का इनलाइन पंप है और इस ट्रैक्टर में आपको 2352 cc का इंजन मिलता है। ये इसकी फ्रंट से लुक है, रेजन हेडलैम्प है। बम्पर इसका बहुत ही बेकार है, हल्का है। और दोस्तों, ये कुछ लुक आती है सोनालिका DI50 की। बम्पर इसमें बहुत ही हैवी दे रखा है। इसके ये हेडलैम्प आते हैं, इसमें इसमें भी हैलोजन हेडलैम्प है, लेकिन रोशनी स्वराज से बेटर है। दोनों में फुल बाथ वाला एयर क्लीनर आता है, देख सकते हैं स्वराज में भी। और दोस्तों, ये कुछ इसका प्लेटफॉर्म आता है, बिल्कुल फ्लैट टाइप है। नीचे बीच में ये थोड़ा सा बम्प है, लेकिन फिर भी फ्लैट है। इससे सीटिंग पोस्चर बहुत ही कंफर्टेबल है। ये इसका डैशबोर्ड आता है, इसमें ये देख सकते हैं आप, ये इसका मीटर है, RPM मीटर। इसमें ये 1700 RPM पे अपनी 540 RPM बनाता है PTO के। और ये इसमें ऑयल प्रेशर के लिए है और ये फ्यूल के लिए है, ये टेम्परेचर के लिए, और ये बैटरी के लिए आता है। पावर स्टेयरिंग है इसमें सिंगल सिलेंडर वाला, चलाने में बहुत ही कंफर्टेबल है भाई। इसमें हर चीज़ आपकी रीच में है। साइड गियर शिफ्ट आता है इसमें, देखो। ये देखो, लीवर के लिए या फिर गियर के लिए किसी भी चीज़ के लिए आपको झुकना नहीं पड़ेगा। इसमें 1 2 3 4 रिवर्स और इधर ये लो हाई, यानी कि इसमें 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स आते हैं। इसमें ड्यूअल क्लच है, एक ही पैडल, इसी पैडल में आपको PTO के लिए और ट्रांसमिशन के लिए क्लच दे दिया गया है। आप इसको आधा दबाएंगे तो ट्रांसमिशन के लिए क्लच होगा और इसको पूरा दबा देंगे तो ये PTO के लिए क्लच काम करेगा। यहाँ पे इसका PTO गियर आता है, इसमें मल्टी स्पीड रिवर्स PTO है और 540 पावर PTO। ये देख सकते हैं ऐसा कुछ लुक होता है। और इसमें 55 लीटर का फ्यूल टैंक आता है। इसके स्टेयरिंग में भाई ये बहुत ही बढ़िया दे रखा है, चलाने में मतलब इतना आराम मिलता है जैसे भी की तरह है। आप इसको एक हाथ से ही कंट्रोल कर सकते हैं। लाइट के कंट्रोल आपको एक ही स्विच में सारे दे दिए गए हैं, इंडिकेटर के लिए, ये लाइट्स के लिए। ये हाथ वाली एक्सेलेटर है और ये इसमें पार्किंग के लिए दे रखा है। टूल बॉक्स इसका यहाँ पे आता है, ये वाटर सेपरेटर है इसमें, ये देख सकते हैं आप भाई। ऐसी कुछ लुक लेकर के आती है सोनालिका HDM हैवी ड्यूटी माइलेज प्लस। ये पावर प्लस का लोगो, ये 52 HP कैटेगरी में आता है भाई। इसके रेटेड RPM 2000 है और 205 Nm के टॉर्क के साथ आता है भाई। ये माइलेज इस ट्रैक्टर की बहुत ही बढ़िया है भाई। ये एक किला हैरो या कल्टीवेटर में अगर इसके एवरेज देखेंगे हम तो ये 2.25 लीटर में निकल जाता है भाई किले में से। अब बात करते हैं इसकी स्वराज 544 FE 4-star की। इसमें भी रिवर्स PTO का ऑप्शन आता है, देखो भाई। इसमें ऐसा कुछ लुक आता है भाई निकलकर, ये देखिए। ये इसका RPM मीटर है और ये इसमें बैटरी के लिए और ये इसमें ऑयल प्रेशर के लिए, टेम्परेचर के लिए है सॉरी, और ये इसमें फ्यूल के लिए है। इसमें
ऑयल प्रेशर वाली कोई सुई नहीं आती है। ये इंडिकेटर के लिए इसमें इंडिकेट कर देता है डैशबोर्ड पे, और ये न्यूट्रल का साइन आता है इसमें भाई। इसमें भाई सेंटर शिफ्ट गियर आते हैं, लो हाई 1 2 3 4 रिवर्स, यानी कि इसमें भी है 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर स्पीड के साथ आता है, लेकिन इसमें सेंटर शिफ्ट है। और भाई इसका प्लेटफॉर्म ये देखो बीच में कुछ ज़्यादा ही बम्प है, ये बैठने में सोनाली कहाँ से बैठने के मामले में सोनालिका इससे बढ़िया है भाई। सोनालिका में बिल्कुल थकान महसूस नहीं होती, लेकिन इसमें बैठने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, पैर को पूरा मतलब नीचे तक लेके जाना पड़ता है जिससे कि पैर दुखने लग जाते हैं भाई। और इसमें इस साइड में ये वीडियो का लीवर आता है, 540 पावर वीडियो और रिपर स्पीड वीडियो आती है भाई। इसमें वही गियर स्पीड है, आप रिवर्स गियर डालोगे तो रिवर्स में काम करेगा और सभी गियरों में अलग अलग स्पीड के साथ काम करेगा। मोबाइल रखने के लिए और चार्जिंग वाला ऑप्शन इसमें यहाँ पे है, ये इसमें लिफ्टों के कंट्रोल है, और ये इसमें डंपर उठाने के लिए दे रखा भाई, ये देख सकते हैं आप पीछे से कुछ। इसमें टूल बॉक्स यहाँ पे आता है, और सेंसिंग पॉइंट इसमें 3 दे रखे हैं भाई। ऐसा कुछ था भाई 744। और इसमें भाई आपको सोनालिका में डंपर या रिवर्सिबल प्लाव के लिए यहाँ पे दे रखा है ये ऑप्शन, और इसमें रिवर्सिबल प्लाव जोड़ते हैं या फिर पावर एरो या फिर आगे दे रखे हैं। थैंक यू भाई वीडियो देखने के लिए, आप खुद डिसाइड कर लेना कि कौन सा बेटर है।